बाबा साहब अम्बेडकर के बाद साहब कांसीराम आए और दुनिया को एक अलग जगाए। उसके बाद हमारे सामान्य बहन मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, तमाम इस देश के बहुत से लोग हैं, जैसे बिहार के मंत्री साहब चंद्रशेखर यादव जी और हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर यादव जी ने जो अलग जगाई बिहार में, उसका रिजल्ट सबसे अधिक पड़ा तो उत्तर प्रदेश में पड़ा, और उत्तर प्रदेश में इसलिए पड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सवाल उठाया वो शायद कभी सोचा नहीं जा सकता समाजवादी पार्टी में, और ये इन्हीं की वजह से उठाया गया। आज अगर समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि हम शुक्र हैं, ये किसी की ओर कोई योगदान नहीं बल्कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का योगदान है, और उसी लिए से ये बात आई। 1585 का जो नारा दिया गया वो नारा भी आज समाजवादी पार्टी में केवल मौर्य जी के वजह से दिखाया जा रहा है। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, हमारे पास ज्योतिबा फुले जी की बात में रख रहा हूं। ज्योतिबा फुले जी ने भारत में राजनीतिक पार्टी की जगह पे समाज को दर्शाया, और जब उन्होंने सत्य सुदृढ़ समाज की स्थापना की तो आपको आश्चर्य की बात है, तब राजनीतिक पार्टी नहीं थी भारत में, और सत्य सुदृढ़ समाज ने पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा जनजागरण जगाया जिसकी दूर तरफ फलक दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना। वो कारवा कहीं रुक सा गया है। मेरे पास ये दो किताब, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मजाक की जगह पे मैं थोड़ा सीरियस बात करता हूं, मैं किसी की बात नहीं है। दो किताब है आपके पास, मुझे मेरा समाज पढ़ता नहीं है, ये समाज को डायनामाइट है ये किताब, जिस दिन ये किताब पढ़ लेगा आप डायनामाइट से कम नहीं रहेंगे। और ये महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली है, ये किताब है, और इस किताब का रूप यदि आप देखेंगे इसमें सत्य सुदृढ़ समाज में तो पूना में रह करके कई कार्यक्रम चलाया गया जिसमें अंधविश्वास है, जिसमें शादी विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें सब उसी कार्यक्रम को आज के डेट में अगर किसी बड़े शोर से कोई चलाया जा रहा है तो वह हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य को चलाया जा रहा है। अपने ताली को बजाइए महाराज। अभी नाथूराम जी बोलने क्या कहा कि किसी का मुखा काटा गया, किसी का कुछ काटा गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गला काटने का प्रयास चल रहा है। ये देखिए तो जन जागरण का कार्यक्रम यह है। मैं अपनी बात कुछ शब्दों में समाप्त करूंगा। मैं ये चाहता हूं एक प्रोफेसर होने के नाते मेरी दृढ़ तमन्ना है जो रोल हम माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद नहीं कर सकते, जो रोल समाजवादी के पार्टी के दूसरे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, जो रोल बहुत से लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, उस रोल की भूमिका, उस भूमिका को हम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से उम्मीद कर सकते। मेरा दृढ़ तमन्ना है एक प्रोफेसर होने के नाते, इतिहास का प्रोफेसर होने के नाते, क्या जो कार्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कार्य साहब कांसीराम छोड़कर चले गए, क्या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूरा कर सकते हैं? मेरा सबसे सवाल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और माननीय कांसीराम साहब ने यह कहा था कि इस देश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा, यानी जाति की समाप्ति होगी, और एक दिन आने वाले समय में हम जाति को समाप्त करके फेंकेंगे। यह बहुत कठिन कार्य है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कार्य को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस भूमिका को ले जाए जो कार्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो साहब कांसीराम जी से छूट गया था, क्या वह कार्य हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर इस रास्ते पर लगातार चले तो ये कार्य संभव है आने वाले समय में। ये कार्य संभव है, और तभी संभव है जब
स्वामी मुक्त प्रसाद मौर्य जी को आप एक विचारधारा के रूप में देखें, उनको एक जाति के रूप में बांधने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक लोग पहुंचे हैं, या यादव समाज के लोग पहुंचे हैं, या पासी समाज के लोग पहुंचे हैं। पासी समाज से, मौर्य समाज से और यादव समाज से बहुजन समाज नहीं बनेगा। बहुजन समाज बनाने के लिए सभी जातियों को यहाँ पे इकट्ठा होना होगा। और मैं एक उम्मीद के रूप में ये देखता हूँ कि आने वाले समय में सब बहुजन समाज की जो लड़ाई है वो लड़ाई कर पाएंगे, और आने वाले समय में सर के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और सरकार बनने के बाद जो 85 का नारा है वो बुलंद होगा, और 15 के जगहों पे जो बेवानी जमीन की बात है सब वो कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो सपना था उसको पूरा कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला काम श्रीराम अगर कोई बने तो स्वामी प्रसाद मौर्या जी बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये कितना हो पाएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सर ऐसा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ